स्क्रीन दिखाई दे रही है मेरी? कंफर्म करो कोई। यस सर, ठीक है, यस स्टार्ट सर। करते हैं। थियोडोलाइट हमारा चल रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो आप बाहर फील्ड में देखते हो येलो कलर का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसे ही थियोडोलाइट बोलते हैं। अगर उसमें स्क्रीन लगी हुई है, इस टाइप की स्क्रीन लगी हुई है, तो वो टोटल स्टेशन बन जाता है। अगर ये स्क्रीन नहीं लगी हुई है तो वो थियोडोलाइट हो जाता है। ये दो इंस्ट्रूमेंट है जो सबसे ज़्यादा सर्वेइंग में यूज़ होते हैं और अभी भी यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। छोटे मोटी कंपनी में थियोडोलाइट यूज़ होता है, बड़ी कंपनियों में टोटल स्टेशन यूज़ होता है, ठीक है। टोटल स्टेशन में स्क्रीन लगी होती है, डाटा सेव हो जाता है। थियोडोलाइट में आपको मैनुअली रीडिंग देख के एक नोटबुक में नोट करना होता है, ये फर्क है दोनों में। दोनों का प्रिसाइज लेवल सेम ही है। अब तुम सोचो, एक आप अपनी आंखों से रीडिंग देख रहे हो, एक स्क्रीन में रिकॉर्ड हो रही है डिस्प्ले में, तो वो ज़्यादा प्रिसाइजली आपकी यूनिट रीडिंग को नोट्स कर लेगा। थियोडोलाइट मोस्ट प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल एंगल। हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल, दो पॉइंट के बीच के एंगल, और प्लस वर्टिकली एंगल ही मेजर कर सकता है। और अगर आप वर्टिकल हॉरिजेंटल एंगल मेजर कर सकते हो, तो आप लेंथ और हाइट भी मेजर कर सकते हो इनडायरेक्टली। यहाँ पे देखो, ये मोर प्रिसाइज है देन मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास में आप 30 मिनट तक का एंगल मेजर कर सकते हो। मैग्नेटिक कंपास में 30 मिनट, आपको पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट तक आप एंगल मेजर कर सकते हो मैग्नेटिक कंपास में। बट थियोडोलाइट में आप अप टू 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, देख रहे हो कितना प्रिसाइज हो गया, 10 सेकेंड तक एंगल मेजर कर सकते हो। 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट एंड 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री। तो कुछ थियोडोलाइट आपके पास 10 सेकेंड होती है, जिनका लीस्ट काउंट कहते हैं इसको, सबसे मिनिमम जो आप यूनिट इसमें मेजर कर सकते हो लीस्ट काउंट, तो 10 सेकेंड का भी होता है और 20 सेकेंड का भी होता है। हमारे जो लैब में दोनों है, एक 10 सेकेंड एक का लीस्ट काउंट, एक का है 20 सेकेंड। जो नया वाला है उसका 10 सेकेंड है, जो पुराना वाला है उसका 20 सेकेंड लीस्ट काउंट है। ये कह रहा है कि ऐसे सर्वेइंग जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ थियोडोलाइट, उसी को बोलते हैं थियोडोलाइट सर्वेइंग। यूज ऑफ थियोडोलाइट, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर कर सकते हैं, जो आप कंपास से बेयरिंग मेजर कर सकते हो वो भी आप थियोडोलाइट से कर सकते हो। अब इन्हीं दोनों चीजों की हेल्प से आप पॉइंट लोकेट कर सकते हो, किसी सर्वे लाइन को सर्वे कर सकते हो आप ग्रेड्स एस्टेब्लिश कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, एलिवेशन मेजर कर सकते हो, कर्व ड्रॉ कर सकते हो, और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में टनल में आप इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। ये जो सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स ही डिपेंड करते हैं इन दोनों पे। आप ये दोनों मेजर कर सकते हो, तो सारी चीजें आप कर सकते हो। ये भी मैं बता चुका हूँ कि दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी थियोडोलाइट। उसमें फिर प्राइमरी में दो टाइप के होते हैं, ट्रांजिस्ट और नॉन ट्रांजिस्ट। ट्रांजिस्ट वो होते हैं जिनका जो टेलीस्कोप है वो 180 डिग्री रोटेट हो जाता है, यानी कि इसको रोटेट करके इसका फेस इधर आ जाएगा। और नॉन ट्रांजिस्ट में वो ट्रांजिस्ट ही नहीं होते, वो फिक्स होते हैं। वर्नियर थियोडोलाइट वो होते हैं, जैसे वर्नियर स्केल लगाओ, तो मैं बता चुका हूँ स्टार्टिंग की क्लास में, वर्नियर स्केल कॉम्बिनेशन ऑफ टू स्केल होता है, ठीक है। माइक्रोमीटर जिसमें लगा होता है वर्नियर स्केल की जगह पे, उसको माइक्रोमीटर थियोडोलाइट कहते हैं। ये वही चीजें लिखी हुई है, ट्रांजिस्ट नॉन ट्रांजिस्ट। यहाँ पे फिगर्स है, इनको देख लेते हैं। हमारी लैब में ये वाला इंस्ट्रूमेंट है ट्रांजिस्ट थियोडोलाइट, ये ग्रीन वाला, ठीक है। उसके बाद नॉन ट्रांजिस्ट है, वर्नियर है, माइक्रोमीटर है। इसमें माइक्रोमीटर लगा होता है रीडिंग मेजर करने के लिए, यहाँ पर कहीं। इसमें वर्नियर स्केल है, ये रहा वर्नियर स्केल, यहाँ पर भी वर्नियर स्केल है। इसका जो है ये ट्रांजिस्ट नहीं होता है, रोटेट नहीं होता है, और ये रोटेट हो जाता है। तो ग्रीन वाला जो है ये ज़्यादातर यूज होता है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक ट्राइंगल टाइप की बेस प्लेट है, इसमें एक बीच में होल है, इस होल की वजह हेल्प से हम एक स्क्रू लगा के ट्राईपोड में इसको सेट करते हैं। उसके बाद तीन इसमें स्क्रू हैं ब्लैक कलर के, एक स्क्रू, दो स्क्रू, एक दूसरी साइड तीसरा स्क्रू, और यहाँ पर एक बबल ट्यूब है। तो इसको लेवल करने के लिए, बबल को सेंटर में लाने के लिए इन्हीं तीन स्क्रू को हम यूज़ करते हैं। जैसे मैंने एक बार बताया था कि दो स्क्रू को पहले एक साथ घुमा के बबल को सेंटर में लाएंगे, फिर पूरे इंस्ट्रूमेंट को 90 डिग्री रोटेट करके थर्ड स्क्रू की हेल्प से बबल को सेंटर में लाएंगे, तो इसकी लेवलिंग हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद एक स्क्रू ये है यहाँ पे, एक स्क्रू ये है। ये स्क्रू क्यों काम आते हैं, अगर आप लैब में होते हो तो आप बहुत अच्छे समझ जाते हैं। यहाँ पर देखो दो प्लेट्स हैं, बीच में लाइन आ रही है, एक प्लेट ये, वन लोअर, लोअर प्लेट, अपर प्लेट।
ये वर्नियर स्केल है, लोअर प्लेट में स्केल जो है फिक्स है, अपर प्लेट में जो स्केल है वो रोटेट होता है। इस तरह से मान लो एक स्केल ये है जिसमें ये है आपका 0 डिग्री और ये है आपका 1 डिग्री, एग्जाम्पल के तौर पे ये है आपका 2 डिग्री, ठीक है। और दूसरा स्केल ये है, नीचे बना देता हूँ ये वाला, इसमें ये 0 डिग्री है, ये आपका 1 डिग्री है, ये आपका 2 डिग्री है, और इनके बीच में भी आपका डिवाइड हुआ हुआ है बार्स में। तो जब आपको एंगल मेजर करना होगा तो इन ब्लू वाले स्केल का जो वर्नियर है और जो रेड वाला स्केल है फिक्स है, और यहाँ पे अगर ए पॉइंट है, आप जब ए पॉइंट को देखोगे तो दोनों दोनों 0 होने चाहिए। अब फिर जब आप बी पॉइंट को देखोगे तो क्या करोगे, आपका जो रेड वाला वो फिक्स होना चाहिए और ब्लू वाला रोटेट होना चाहिए। जब रेड वाला फिक्स होगा, ब्लू वाला रोटेट होगा बी को देखने के लिए, और जब ब्लू वाले की 0 यहाँ आ जाएगी यहाँ पे, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 1 डिग्री। यही मेथड है इसमें मेजरमेंट का, ठीक है। तो अब ये जो है अरेंजमेंट की, एक हमारा रोटेट हो, दूसरा फिक्स हो, या दोनों फिक्स हो, एक रोटेट हो, तो उसी अरेंजमेंट को हम किसकी हेल्प से ठीक करते हैं, स्क्रू की हेल्प से। ये जो स्क्रू है, ठीक है, जब आपने 0 0 सेट कर दिया ऊपर वाले स्केल में, नीचे वाले स्केल में देखोगे कहाँ से, यहाँ से, यहाँ लेंस लगा हुआ है, इसी तरह दूसरी साइड लगा हुआ है, ये रहा, दो साइड से आप रीडिंग देख सकते हो। तो यहाँ से आपने देखा कि दोनों प्लेट दिखाई दे रही हैं, दोनों का 0 0 सेट है। अब दोनों का 0 0 कैसे सेट करोगे, कि एक प्लेट को फिक्स रखोगे, नीचे वाले स्क्रू को टाइट कर दोगे तो नीचे वाली फिक्स हो गई, ऊपर वाले को लूज कर दोगे तो ऊपर वाली लूज हो गई, फिर इसको रोटेट करके 0 0 फिक्स करके दोनों को टाइट कर दोगे। अब दोनों को जब टाइट कर दोगे ना तो ये घूमेगा नहीं, लेकिन आपको ए देखने के लिए इसको घुमाना है और 0 0 भी हटे ना, तो नीचे वाले को लूज करोगे तो पूरा का पूरा रोटेट होगा, फिर ए को देखोगे, फिर नीचे वाले को टाइट, ऊपर वाले को लूज, फिर बी को देखोगे। इस तरह से दोनों एंगल के बीच में डिफरेंस जो आएगा दोनों प्लेट के बीच में, वही आपका एंगल होगा। प्रैक्टिकली बहुत अच्छा समझ सकते थे, अब थियोरेटिकली आप इतना ही समझो उसको। इस तरह से एंगल, ये टेलीस्कोप है, इसमें दो रिंग होती है, एक रिंग ये नीचे वाली हॉरिजॉन्टल सर्कल जिसमें हम हॉरिजॉन्टल एंगल मेजर करते हैं, ये वर्टिकल, सेम एज प्रोसीजर, इसमें भी आपका रीडिंग देखने का लगा होता है, इससे वर्टिकल एंगल हम मेजर करते हैं। एसेंशियल पार्ट्स ऑफ ट्रांजिस्टर थियोडोलाइट, इन सबको पढ़ने की जरूरत नहीं है। देखो, एक टेलीस्कोप होता है, एक बेस प्लेट होती है, एक वर्टिकल सर्कल, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, एक होता है ये फोकसिंग स्क्रू होता है, आई ऑब्जेक्ट पीस, आई पीस, लेवलिंग स्क्रू होते हैं, या मैं उस वाले डायग्राम में बताता हूँ। ये टेलीस्कोप है, ये आई पीस है, ये ऑब्जेक्टिव पीस है, ये वर्टिकल सर्कल है, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है, ये लेवलिंग स्क्रू है, ये बेस प्लेट है, ठीक है। इस तरीके से आप बस इसके इन चीज़ों को, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा, ये वर्टिकल एक्सिस होगा, ठीक है। यहाँ से हम रीडिंग देखते हैं, ये बबल ट्यूब है, यहाँ से स्क्रू है प्लेट को टाइट करने के लिए, क्लैंप करने के लिए और लूज करने के लिए, ठीक है। इस तरह से ये डायग्राम बने हुए हैं, अलग अलग टाइप के आपको दिखाया गया। देखो यहाँ से रीडिंग देखते हैं, आंखों से देखना मुश्किल होता है, तो ये लेंस लगा हुआ है एक छोटा सा, यहाँ से हम देखते हैं इसको। देखो यहाँ पे सही से क्लियर दिखाया गया, ये रहा, देख रहे हो यहाँ पे दो प्लेटें हैं, ये रीडिंग देखना ही सबसे बड़ा काम होता है इसका। यहाँ पे बबल दिखाया हुआ है जिसको हम, जो 3 स्क्रू हैं इनकी हेल्प से बबल को सेंटर में लाते हैं। ये इंटरनल इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, ये वर्टिकल एक्सिस, ये आपका वर्टिकल सर्कल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल। अच्छा, एक चीज़ और डिस्कस होगी आगे, उसमें अभी बता देता हूँ। जब आप इसमें टेलीस्कोप में यहाँ से देखोगे, यहाँ से तो देखोगे आप, ये आपकी आँखें हैं, ठीक है, और ये आपका है स्टार जिसको आप देख रहे हो। तो जब आप यहाँ पे इसको देखोगे तो आप देखोगे आपका जो वर्टिकल सर्कल है ना, वर्टिकल सर्कल, ये आपका कब किधर है, राइट साइड है, वर्टिकल सर्कल राइट साइड है, तो इसको बोलते हैं राइट फेस रीडिंग, ठीक है। अगर इस टेलीस्कोप को मैं ऐसे घुमा दूं तो अब क्या होगा, आप यहां से देखोगे आप, और जब आप यहां से देखोगे तो इस सर्कल जो है आपका ये इधर आ जाएगा, तो उसको बोलते हैं फेस लेफ्ट। तो सर्कल अगर आपके रीडिंग देखते वक्त राइट में है वर्टिकल सर्कल तो राइट फेस, और लेफ्ट में है तो लेफ्ट फेस। ये अभी आगे काम आएगा कि कैसे क्या इसकी जरूरत पड़ती है हमें। तो ये तो इंट्रोडक्शन था आपका इंस्ट्रूमेंट के बारे में, थियोडोलाइट के बारे में। अब बात करते हैं हम इससे हम मेजरिंग कैसे करते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल। तो जो हॉरिजॉन्टल एंगल है वो 3 तरह के होते हैं आपका, ऑर्डिनरी मेथड,
रिपीटिशन मेथड, रिट्रेशन मेथड। ये ऑर्डिनरी ऐड कर दिया है इन्होंने, ऑर्डिनरी को वैसे समझने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल है। दो मेथड आपसे पूछे जाते हैं, थ्योरी में न्यूमेरिकल आता है आपका, थ्योरी में क्वेश्चन आता है, सॉरी, रिपीटेशन मेथड, डिफरेंस बिटवीन द रिपीटेशन मेथड और रिट्रेशन मेथड। दोबारा से ध्यान सुनना, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है थियोडोलाइट, जिससे हम एंगल मेजर करते हैं दो पॉइंट के बीच में। हॉरिजेंटल एंगल भी मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल एंगल भी मेजर कर सकते हैं। उन एंगल को मेजर करने के लिए दो मेथड हैं, रिपीटेशन मेथड, रिट्रेशन मेथड। ठीक है, अब दोनों को पहले ऑर्डिनरी मेथड समझ लेते हैं। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है, ओ पे आपको इंस्ट्रूमेंट रखना है और फिर ए को देखना है, फिर बी को देखना है और आपको एंगल मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं सिंपल मेथड। ठीक है, अब मैं इसको प्रोसीजर बताता हूँ। इंस्ट्रूमेंट आप लैब से उठाया आपने, क्या क्या उठाओगे? ट्राइपॉड उठाओगे, थियोडोलाइट उठाओगे, प्लम्बोब उठाओगे, स्टाफ उठाओगे, स्टाफ भी नहीं उठाओगे आप, रेंजिंग रोड उठा लोगे। ठीक है, ट्राइपॉड को आपने इस पॉइंट के ऊपर रखा, तीन लेग, एक लेग ये रहा, 1 2 3, ये तीन लेग हो गई, टॉप व्यू इसलिए ऐसे दिखाई देगा। और इंस्ट्रूमेंट आपका इस पॉइंट के ऊपर होगा, बिल्कुल इस पॉइंट के ऊपर लाने के लिए आप क्या यूज करोगे? प्लम्बोब, सेंटरिंग करने के लिए। रखने के बाद इंस्ट्रूमेंट आप तीन स्क्रू से बबल को लेवल करोगे, बबल को लेवल कर लिया। उसके बाद आप जो उसमें वर्नियर स्केल है हॉरिजॉन्टल प्लेट में, उन दोनों प्लेट को जीरो जीरो करोगे। कैसे करोगे? आप स्क्रू को लूज करोगे, दोनों प्लेट रोटेट होंगी। जब लेंस में देखोगे आप, जो आई जहाँ से रीडिंग देखते हो, वहाँ से आप दोनों को जीरो जीरो मिला के क्लैम्प कर दोगे, स्क्रू टाइट कर दोगे दोनों। आप क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल भी रोटेट नहीं होगा, रीडिंग क्या होगी? जीरो। लेकिन रोटेट तो करना पड़ेगा ए को देखने के लिए, और जो जीरो जीरो है वो भी ना हटे, तो आप नीचे वाले स्क्रू को लूज करोगे, उससे क्या होगा, दोनों प्लेट एक साथ घूमेंगी, तो एंगल जीरो ही रहेगा। फिर आप ए को साइड करोगे, जब ए को साइड करोगे तो रीडिंग क्या आ रही होगी आपकी? जीरो डिग्री, जीरो मिनट, जीरो सेकंड, सेकंड तक दिखाएगा। अब क्या करोगे आप, दोनों जब ए को आप देख लोगे तो दोनों स्क्रू को टाइट कर दोगे, इंस्ट्रूमेंट बिल्कुल हिलेगा नहीं और आपका जीरो डिग्री दिखाएगा। अब आपको बी को देखना है, तो जब बी को आप देखोगे तो आपके केवल अपर प्लेट रोटेट होनी चाहिए, तो अपर स्क्रू को लूज करोगे और आप रोटेट करोगे इसे और आप बी को देखोगे। जब आपने बी को देखा तो अब एंगल कितना आ रहा है, फॉर एग्जांपल 15 डिग्री है ये, तो दूसरा एंगल अब क्या आ रहा है, 15 डिग्री। तो इस तरीके से आपने 15 डिग्री 0 मिनट 0 सेकंड, इस तरह से आपने दूसरा एंगल मेजर कर लिया दो पॉइंट के बीच में। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनरी मेथड। इसमें जो मैंने बताया कि इंस्ट्रूमेंट को ए ओ पॉइंट पर रखना है, लेवल, ये सब में कॉमन है। ठीक है, फिर आपको जीरो जीरो सेट करके ए को देखना है, यहाँ तक सब में कॉमन है जितने भी मेथड हैं। इसके बाद क्या अलग है देखते हैं। इसके बाद आपका वही चीज बताई हुई है कि अपर क्लैम को लूज करना है, स्क्रू को लूज टाइट करना है, वही चीज थ्योरिटिकल लिखा हुआ है उन्होंने। ठीक है, अब मैं आता हूँ रिपीटेशन मेथड में। रिपीटेशन मेथड में क्या करना है, सेम है जैसे अभी आपने ऑर्डिनरी मेथड में ए और बी के बीच का पॉइंट मेजर किया। ठीक है, मान लो कितना आ गया था, 15 डिग्री आ गया था। इसमें देखो तीन लाइन क्यों, फिर क्या करना है आपको, 15 डिग्री आने के बाद आपको ऊपर वाला क्लैंप कर देना है स्क्रू, नीचे वाला लूज। जब नीचे वाला लूज होता है ना स्क्रू, तो पूरा इंस्ट्रूमेंट रोटेट कर सकते हो बिना एंगल चेंज किए, एंगल 15 डिग्री दिखाता रहेगा उसमें। तो नीचे वाला लूज करके क्लॉकवाइज घुमाया और दोबारा से ए को देखा, जब दोबारा से ए को देखेगा तो कितना आएगा एंगल दिखाएगा, 15 डिग्री। और जब बी को देखेंगे हम ऊपर वाले को टाइट करके नीचे वाले को लूज, तो कितना दिखाएगा बी को, 30 डिग्री। सेम एज प्रोसीजर दोबारा करेंगे, अब ए को देखेंगे तो कितना दिखाएगा, 30 डिग्री, फिर बी को दिखाएंगे तो कितना दिखाएगा, 45 डिग्री। तो हमने एक ही एंगल को क्लॉकवाइज घुमा घुमा के तीन बार मेजर किया, और तीनों बार अगर 15-15 डिग्री आ रहा है तो क्या होगा आपका, विदाउट एरर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगर 15-15 नहीं आ रहा, कुछ सेकंड का डिफरेंस आ रहा है, आता है, तो फिर आप एवरेज ले लोगे, मीन ले लोगे आप। इसी को कहते हैं रिपीटेशन मेथड, यानी कि एक एंगल को बार बार मेजर करना। ठीक है, अभी जब हमने इस एंगल को मेजर किया तो एग्जांपल अभी मैंने आपको बताया कि जब आप किसी एंगल को मेजर कर रहे हो तो जो वर्टिकल सर्कल है या तो लेफ्ट में होगा कि राइट में होगा। तो मान लो लेफ्ट में है तो उसको बोलते हैं हम लेफ्ट फेस। तो लेफ्ट फेस से हमने तीन बार इस एंगल को मेजर किया, अब राइट फेस में ला के वर्टिकल सर्कल को तीन बार दोबारा करेंगे और फिर इन छह रीडिंग का मीन ले लेंगे, वही आपका ये एंगल होगा। एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम ऐसा करते हैं। ठीक है, ये होता है आपका रिपीटेशन मेथड।
अब आते हैं ये रिपीटेशन, ये थ्योरी लिखी हुई है रिट्रेशन मेथड। रिट्रेशन मेथड में क्या होता है, आपने इंस्ट्रूमेंट रखा ओ पे, ए पे एंगल मेजर किया आ रहा है 0 डिग्री, 0 मिनट और 0 सेकंड। फिर आपने बी को देखा तो कोई एंगल आ रहा है थीटा 1। फिर आपने सी पॉइंट को देखा थीटा 2। फिर आपने डी पॉइंट को देखा थीटा 3। फिर आपने देखा इस पॉइंट को थीटा 4। और इन सबका सम कितना आना चाहिए 360। इसी तरह सम 360 आना चाहिए, एक बार लेफ्ट फेस से एक बार राइट फेस से आपको मेजर करना है, सम 360 आना चाहिए। तो रिट्रेशन मेथड में हम इस तरह से एंगल मेजर करते हैं। तो अब मेरे को बताओ इसमें कोई डाउट हो आपका कुछ भी तो आप पूछ सकते हैं, एक मिनट है आपके पास। कोई भी डाउट हो इस चीज़ के बारे में, बिल्कुल भी समझ में ना आ रहा हो तो बताओ, कुछ भी पूछ सकते हो आप। है किसी का डाउट? आशीष डाउट है? नो सर। चलो आप सिंपल एक इंस्ट्रूमेंट है, इसको लैब में आप जैसी करोगे ना तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि लैब के एक्सपेरिमेंट है, थ्योरीटिकल तो बताना थोड़ा टफ होता है, जैसे रीडिंग देखना। इंस्ट्रूमेंट को एक बार टच ही करोगे तो आधी चीजें याद हो जाएंगी आपको, जो मैं बोल रहा हूँ आपको, अपर स्क्रू लोअर स्क्रू ये सब बिल्कुल देखने से याद हो जाती हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल कंडीशन ऐसी है तो इसी तरह से करेंगे। अब आता है वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता हूँ ग्राफिकली वर्टिकल एंगल कैसे मेजर करना है। ये एक टावर है, पहले ही बता चुका हूँ, एक टावर है आपका, फ्लड लाइट वाला एक्सपेरिमेंट हम करवाते हैं कि जो फ्लड लाइट स्टेडियम में लगी हुई है इसकी हाइट निकालो। ये फ्लड लाइट कुछ इस तरह की है, तो इसकी हाइट कैसे निकालते हैं, ये ग्राउंड है, यहाँ पे हमने थ्योरी लाइट को रखा। ठीक है, थ्योरी लाइट को यहाँ पे रखने के बाद यहाँ से सेंटर पॉइंट यहाँ ये है, यहाँ से टेप जो होती है आपके पास बड़ी सी टेप है, उससे आपने मेजर कर लिया डिस्टेंस 15 मीटर आ रहा है एग्जाम्पल के तौर पर टावर तक। ठीक है, फिर एक स्टूडेंट टावर के पास स्टाफ लेके खड़ा हो जाता है या रेंजिंग रोड इस तरह स्टाफ लेके खड़ा होगा, सॉरी यहाँ पे स्टाफ पे रीडिंग देखती है, देखता है वो, और यहाँ पे रीडिंग आती है 1 मीटर। इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की हाइट है कितनी टावर की, 1 मीटर। ठीक है, फिर क्या करते हैं, जो वर्टिकल सर्कल है, या तो आपको वर्टिकल सर्कल रहा है यहाँ पे, इससे वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पर 0 0 डिग्री देख होगा आपका वर्टिकल में, फिर हम इसको थोड़ा सा ऊपर की ओर रोटेट करते हैं और हम फ्लड लाइट को देखते हैं। अब वर्टिकल सर्कल में एंगल चेंज होगा तो हमें यहाँ मिल जाएगा थीटा। अगर हमें यहाँ थीटा मिल गया है तो अब हमें ये 1 मीटर हाइट पता है, बेस पता है, ये है 15 मीटर और ये एंगल है थीटा। तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी की हेल्प से हम ये एच निकाल सकते हैं, ये वाला एच। ठीक है, अब ये वाला एच हम निकाल लेंगे और इसमें 1 मीटर ये ऐड कर देंगे, तो टोटल हाइट ऑफ द टावर हमें पता चल जाएगी। ये प्रोसीजर होता है। अब ये वर्टिकल एंगल मेजर करने के लिए क्या प्रोसीजर होता है, सबसे पहला ट्राइपॉड सेट करना, फिर प्लम्बोब से, प्लम्बोब क्या होता है, इस तरह का होता है, आपने देखा होगा कंस्ट्रक्शन में, इसमें एक धागा बंधा होता है, यहाँ पे इसको हैंग करते हैं और आपको सेंटरिंग पॉइंट ले लेते हैं। उसके बाद 3 स्क्रू से आप अपने इंस्ट्रूमेंट को लेवल करोगे। लेवल करने के बाद आप देखोगे कि वर्टिकल एंगल 0 0 होना चाहिए। वर्टिकल एंगल 0 0 होने के बाद आप इसको देखोगे जो स्टाफ स्टूडेंट लेके खड़ा हुआ है, 0 0 है और उस पर हमें हाइट पता चल जाएगी 1 मीटर। फिर आपको एक स्क्रू को आपको बताया कि हर प्लेट में 2 स्क्रू हैं, एक से दोनों टाइट हो जाती हैं, एक से एक लूज हो जाती है, तो एक से एक लूज करेंगे और फिर हम उसको टेलीस्कोप को ऊपर की ओर रोटेट करते हुए फ्लड लाइट को देखेंगे, फिर हम मेजर करेंगे एंगल, उसमें देखेंगे वर्टिकल सर्कल में, तो एंगल हमें मिल जाएगा थीटा, और फिर हम कैलकुलेशन से टावर की हाइट निकाल लेंगे। तो वर्टिकल एंगल इसलिए मेजर करते हैं और क्यों करते हैं, इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका सारी चीजें थ्योरी लाइट के बारे में। थ्योरी लाइट के जो एक्सपेरिमेंट है आपके लैब में वो है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ थ्योरी लाइट, जिसमें आप पार्ट्स के बारे में जानते हैं। सेकंड है आपका रिपीटेशन मेथड, थर्ड है आपका रिट्रेशन मेथड, फोर्थ है आपका वर्टिकल एंगल। ये 4 एक्सपेरिमेंट होते हैं आपके लैब में। ठीक है, तो ये टॉपिक आपका हो चुका है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है आपका कंटूरिंग।
ठीक है, कंटूरिंग क्या होता है याद करो, स्टार्टिंग की क्लास में मैंने बताया था कि सर्वेइंग का क्या यूज है, ऑब्जेक्टिव क्या है सर्वेइंग का। सर्वेइंग का ऑब्जेक्टिव है मैप्स बनाना, और टाइप्स ऑफ मैप में एक मैप आता है कंटूरिंग मैप। ठीक है, तो मैं गूगल पे सर्च करके आपको दिखाता हूँ कंटूरिंग मैप होता क्या है। कंटूरिंग मैप देखो, इस तरीके का मैप होता है, इस तरीके का मैप, ये ग्राउंड की टोपोग्राफी बताता है। ठीक है, इन लाइनों से हमें पता चल जाता है कहाँ पे हिल एरिया है, कहाँ पे डिप्रेशन है, कहाँ पे डेप्थ है, इन लाइनों से। इस तरीके के मैप को बोलते हैं हम कंटूरिंग मैप, और इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने टाइप होते हैं, वो हम इसमें जानेंगे। यहाँ पर भी एक एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जो हिल एरिया है, अगर इसको टॉप से मैं देखूँ तो टॉप से कैसा दिखाई देगा, ये इस तरह से लाइनें दिखाई देंगी, इस तरह से, है ना। तो इससे पता लगेगा कि यहाँ पे हिल एरिया है, और अगर उन लाइनों के ऊपर जो नंबर लिखा हुआ है वो इंक्रीज हो रहा है अंदर की ओर, तो यानी कि हिल एरिया है, और नीचे की ओर बाहर की ओर इंक्रीज हो रहा है तो वो डिप्रेशन है। ठीक है, एक एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, ये रहा कंटूर, ये हिल है, उसको ड्रॉ कैसे करना होता है। ठीक है, तो एक रफली आइडिया आपको मिल गया, पढ़ते वक्त इसको हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देख, कंटूरिंग कंटूर है इमेजिनरी लाइन ऑन द ग्राउंड सरफेस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल एलिवेशन ऑफ द कंटूर। अब मैं इसको बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है, ये हिल है आपका। ठीक है, हिल का जो ये कंटूर है, कंटूर है इस हिल मैप का ऊपर से देखने पे, तो ये जो लाइन है ना, ये जो लाइन है, इस लाइन पे हर पॉइंट का एलिवेशन इक्वल होगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं स्टाफ रख के थियोडोलाइट से रीडिंग लूँ तो सेम आएगी हर पॉइंट पे, इस पूरे रिंग के, आउटर रिंग के हर पॉइंट पे, इसी तरह इस पे रिंग आई, तभी तो कंटूर मैप बनेगा। ठीक है, इसको कंटूर मैप को बनाते कैसे हैं, ये आपका हो गया हिल। तो हम क्या करेंगे, थियोडोलाइट जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज करना है, यहाँ पे हमने ए पॉइंट लिया, और यहाँ पे लिया ए पे आ रहा है 1 मीटर, तो हमें दूसरा पॉइंट ढूंढना है जहाँ पे 1 मीटर आ रहा हो। मान लो बी पे आ रहा है 1 मीटर, मान लो सी पे आ रहा है 1 मीटर, डी पे आ रहा है, तो इसकी कंटूर लाइन थोड़ी सी इस तरीके से बनेगी, सर्कुलर, है ना। प्योर सर्कुलर नहीं बनेगी क्योंकि पॉसिबल नहीं है प्योर सर्कुलर पे बिल्कुल सारे पॉइंट एलिवेशन के इक्वल हों। ठीक है, इन अदर वर्ड्स कंटूर इज ए लाइन इन विच द ग्राउंड सरफेस इंटरसेक्ट बाय लेवल सरफेस ऑब्टेन बाय जॉइनिंग पॉइंट्स ऑफ इक्विलेशन लाइन ऑफ मैप इंटरप्रेजेंट कंटूर। ये वही कह रहा है कि आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिए जिनका आपने, आप ये कहोगे जैसे मैंने अभी कहा कि ए पॉइंट पे 1 मीटर एलिवेशन मिल रहा है, तो आप बी पॉइंट को मत ढूंढो 1 मीटर वाले को, आप सारे पॉइंट ले लो इस तरह से, 1 मीटर 2 मीटर, मतलब बहुत सारे पॉइंट आप लेवल करते जा रहे हो, यहाँ पे फिर आया 1 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ पे 1 मीटर, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट आपने मेजर कर लिए। अब जो 1 मीटर वाले हैं उन सबको ज्वाइन कर दो, तो आपको 1 मीटर वाली कंट्रोल लाइन मिल जाएगी, 2 मीटर वालों को ज्वाइन कर दो, 3 मीटर वालों को ज्वाइन कर दो, तो सेम एलिवेशन पॉइंट वाली लाइनों को आप ज्वाइन कर दो, आपको कंट्रोल लाइन मिल जाएंगी। कंट्रोल लाइन से बने मैप को ही हम बोलते हैं कंट्रोल मैप। द प्रोसेस ऑफ ट्रेसिंग कंट्रोल लाइन ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड कंट्रोल। जो भी मैंने बताया, आप सेम एलिवेशन के पॉइंट को ट्रेस करो, उनको ज्वाइन करो, कंट्रोल लाइन बन गई। या आप मान लो स्टेडियम जो है आपका कॉलेज का, ये स्टेडियम है, और आपको थियोडोलाइट लेके भेजा, और आपने बहुत सारे पॉइंट डिसाइड कर लिए, एक ये 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 ये, इस तरह से बहुत सारे पॉइंट आपने डिसाइड कर लिए कुछ कुछ डिस्टेंस पर, सबके पॉइंट का रिड्यूस लेवल निकाला, आरएल निकाला, उसके बाद आपने क्या किया, सेम आरएल वालों को आपने ऐड ज्वाइन कर दिया, मान लो इसको इस तरीके से। तो देखो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि इस ग्राउंड में यहाँ पर डेप्थ है, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है क्योंकि रीडिंग हमारी डिक्रीज हो रही है ऐसे, ठीक है, और ये सेम एलिवेशन की है, तो हमें, और यहाँ पे एक इस तरह से कुछ बन गया ज्वाइन करते करते, तो हमें इस ग्राउंड का टोपोग्राफी मैप मिल गया, तो इसी को बोलते हैं कंटूरिंग।
purpose of contouring, contour survey is carried out the starting of any engineering project such as road, railway, canal or dam, building. ठीक है, तो पता ही आपको कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट्स हैं, बिल्डिंग, रोड, डैम, कैनल, रेलवे, इन सब के लिए हमें कंटूर करना होता है. जब तक हमें पता नहीं चलेगा कि ग्राउंड की टोपोग्राफी कैसी है, तब तक हम नहीं बना पाए, क्योंकि जो हमारा आई है, आई विजन जो है हमारा, आई से जो हम देखते हैं, उससे हम पता नहीं कर सकते कि कैसा वहाँ का टोपोग्राफी है. अपनी आँखों पर हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर डिस्कवरी चैनल आपने देखा हो तो हमारे वर्ल्ड में एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है ऑटोमेटिकली एलिवेशन की ओर. कभी आप सर्च करना, मेरे को याद नहीं है उसका नाम, कि आपका एलिवेशन ऐसे है और अगर मैं गाड़ी खड़ी कर दी और आपने ब्रेक हटा दिए हैं तो गाड़ी नीचे जानी चाहिए जबकि वो ऊपर की ओर जा रही है. सर लद्दाख में तो ऐसा क्यों होता है? लोग कहते हैं कि कोई मैजिक है, कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आप उसको एक बड़े व्यू में देखोगे ना, तो हमारी आंखों से तो वो दिखता है कि वो एलिवेशन है, पर वो एलिवेशन नहीं है, वो नीचे की ओर स्लोप है. पर हमें वहां पे खड़े होकर दिखता है कि वो एलिवेशन है, तो इसलिए हम अपनी आंखों पे तो भरोसा कर नहीं सकते कि हम देख लें कि यहाँ कितना एलिवेशन. तो हमें इस तरह के मैप बनाने होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे हमारा डिप्रेशन है, कहाँ पे हमारा हाइट है, कैसा हमारी टोपोग्राफी ग्राउंड की. तभी हम रेलवे स्टेशन ट्रैक बना पाएंगे, रेलवे का कैनल बना पाएंगे. अब जैसे डैम है या कैनल है तो पानी का बहाव किस डायरेक्शन में, ये सब पता होगा हमें, टोपोग्राफी पता होगी, तभी हम कुछ कर पाएंगे यहाँ पे. तो पर्पस क्या है कंटूरिंग का, हमारा यही है. सर इन लाइंस को ड्रॉ करने का कोई स्पेसिफिक तरीका होता है? क्योंकि सर अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक 1 मीटर की हाइट है और उसके बीच में 2 मीटर है, फिर 1 मीटर है, तो उन दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते ना, फिर तो हमें गलत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी. आप कह रहे हो, ये कह रहे हो आप कि आपके पास एक ऐसा हिल है, ऐसा सर एक ऐसे लेवल मान लीजिए जहाँ पहले 1 मीटर की हाइट है, फिर 2 मीटर की हाइट है, फिर 1 मीटर की हाइट है. हाँ, तो अगर हमने 1 मीटर वाले को देखो, हाँ तुम सही कह रहे हो, देखो उसको सुना सर. 1 मीटर एक पॉइंट है ग्राउंड पे, 1 मीटर, और दूसरा पॉइंट है 2 मीटर, तीसरा पॉइंट है 4 मीटर, सब पे आपने पॉइंट ले लिए. लेकिन जो 2 मीटर पे जो पॉइंट है वो तो 2 मीटर पे पॉइंट जो आएगा उसी पे ज्वाइन करोगे ना, 1 मीटर से तो करोगे नहीं. समझ गए? देखो तो जरूरी है कि वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल या वो ऐसे ही सर्कल टाइप या वो नहीं जरूरी नहीं है, नहीं है जरूरी. देखो यहाँ पे मैप देख लो, अभी तो आपको पता चलेगा कितने टाइप के मैप होते हैं. देखो इसमें टोपोग्राफी में देखो कहाँ है, जरूरी थोड़ी ना हर कोई सर्कुलर मिल रहा है हमें. यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे कैसा है, और हो सकता है लूप में खत्म भी ना हो, ये हो सकता है सीधी एक लाइन हो, है ना? लूप है ना, आप कह रहे हो ना सर्कुलर, ये खत्म ही ना हो, हो सकता है सीधे लाइन हो. तो लाइन क्या बताएगी? वो एक लाइन बताएगी कि आपका किस डायरेक्शन में जा रहा है वो ग्राउंड, है ना? तो वो हिल एरिया नहीं हो गया, वो प्लेन एरिया हो गया. प्लेन एरिया का स्लोप किस डायरेक्शन में, रेलवे ट्रैक के लिए हम करते हैं, वो आएगा टाइप ऑफ कंटूर मैप में, वो आ जाएगा कितने टाइप के होते हैं. ऐसे जरूरी नहीं है कि सर्कुलर ही आपके रिंग बनते जा रही हैं. ठीक है, ठीक है. अब ये आता है कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. द कांस्टेंट वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंटूर इज कॉल्ड कंटूर इंटरवल. ठीक है, दो कंटूर लाइन है, उनके बीच में जो एलिवेशन वर्टिकल डिस्टेंस है उन्हीं को बोलते हैं इंटरवल, और जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. ये ध्यान रखना है, ठीक है, आगे इसको समझने में दिक्कत ना हो. इसलिए दो कंटूर लाइन में कोई दो पॉइंट के बीच का जो एलिवेशन है, वर्टिकल डिस्टेंस है, उसको बोलेंगे कंटूर इंटरवल, और दो पॉइंट के बीच में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. ठीक है, दोनों में डिफरेंस ये आता है, दो नंबर में डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि व्हाट इज कंटूर इंटरवल एंड हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट. ये कह रहा है फैक्टर ऑन विच कंटूर इंटरवल डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ ग्राउंड, किस टाइप का आपका ग्राउंड है, कितना बड़ा एरिया है. ठीक है, पर्पस किस टाइप का सर्वे है आपका, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, स्केल का मैप क्या है, इन सब पे डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल. ठीक है, जितना ज़्यादा इंटरवल कम होगा,
जितना इंटरवल कम होगा, इंटरवल कम तो समझ रहे हो ना, दो कंटूर लाइन के बीच में एलिवेशन डिफरेंस, ठीक है, जितना कम इंटरवल होगा उतना ही एक्यूरेट, उतना ही ज़्यादा डिटेलिंग आपकी उस जगह की टोपोग्राफी की आएगी। तो डिपेंड करता है कि एरिया है, किस टाइप का प्रोजेक्ट है, पर्पज़ क्या है, रफली करना है या बहुत प्रिसाइजली चाहिए, उस टाइप पे डिपेंड करता है कंटूर इंटरवल। कॉमन वैल्यू दी हुई है देखो ये कंटूर इंटरवल की, रिजर्वॉयर टाउन प्लानिंग के लिए 0.5 to 2 meter, लोकेशन के लिए 2 से 3, और स्मॉल स्केल मैप के लिए इतना इतना, तो इन सब पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक फॉर कंटूर, ये हमेशा क्वेश्चन कंटूर में से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, इस पर आप स्टार लगा लो, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, ये डायग्राम के साथ आपको समझाना होगा, हर बार आता है, हम भी पूछते हैं एसटीज में और एक्सटर्नल में भी आता ही आता है, ठीक है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ऑल पॉइंट्स इन ए कंटूर लाइन हैव द सेम एलिवेशन, तो बता चुका हूँ है ना, अगर ये दो लाइन है हमारी, एक ब्लू वाली है एक और एक ग्रीन वाली है, तो ग्रीन वाली पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सब का जो एलिवेशन होगा आरएल जो होगा वो सेम होगा, ब्लू लाइन पे जितने भी पॉइंट्स होंगे उनका आरएल सेम होगा। फॉर एग्जांपल ब्लू पर एक पॉइंट है ए, उसका आरएल है 1 meter, ग्रीन पॉइंट पे एक है आपका 1 point number, उसका आरएल 2 meter, तो दोनों ग्रीन पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका आरएल क्या होगा 2 meter, और ब्लू पे जितने भी पॉइंट होंगे उनका आरएल क्या होगा 1 meter, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, मान लो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2.5 meter, ये हो गया हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, और वर्टिकली डिफरेंस कितना हो गया 2 में से 1 गया 1 meter वर्टिकली डिफरेंस है, ये हो गया आपका वो इंटरवल, कंटूर इंटरवल। तो फर्स्ट पॉइंट ये था आपका। सेकेंड पॉइंट, फ्लैट ग्राउंड इंडिकेट वेयर द कंटूर आर वाइडली सेपरेटेड एंड स्टीप स्लोप वेयर द दे रन क्लोजली टुगेदर। अगर आपका इस तरीके का कंटूर है और एक कंटूर इस तरीके का है, यानी कि अगर इनका जो बीच का जो आपका हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट है ये क्लोज है, आप बहुत पास पास में है, तो आप ये मान के चलोगे कि वहाँ उस ग्राउंड एरिया की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ पे स्लोप बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कोई माउंटेन है, लेकिन अगर कांस्टेंट है और वाइडली है, कांस्टेंट भी है वाइडली भी है, तो आप ये कह सकते हो कि थोड़ा फ्लैटी एरिया है वो वाला, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक कंटूर मैप को देख के पता कर सकते हो कि वो एरिया कैसा है। तो सेकेंड ये है आपका। थर्ड पे चलते हैं, यूनिफॉर्म स्लोप इंडिकेट व्हेन द कंटूर लाइन आर यूनिफॉर्म स्पेस्ड, एंड वही मैंने अभी बताया, अगर यूनिफॉर्म स्पेसिंग है क्या कहते हैं कंटूर लाइन के बीच में, तो वो स्लोप क्या है हमारा, यूनिफॉर्म है, इरेगुलर स्लोप नहीं है। यूनिफॉर्म स्लोप का मतलब क्या हो गया, एक ही रेशियो में स्लोप जा रहा है, और इरेगुलर क्या हो गया आपका, ये हो गया इरेगुलर स्लोप, ठीक है। इस वाले स्लोप में कंट्रोल लाइन के बीच के डिस्टेंस सेम आती जाएगी, इस वाले में अलग अलग आएगी। नेक्स्ट है आपका, ए प्लेन सरफेस व्हेन देयर स्ट्रेट पैरेलल आर इक्वली स्पेस्ड। प्लेन सरफेस में है ना कंट्रोल लाइन इक्वली आपकी प्लेस्ड होंगी, बीच के डिस्टेंस जो है, ये सब आपको डायग्राम से समझाना है जो आप कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। ए सीरीज ऑफ क्लोज कंट्रोल लाइन ऑन मैप रिप्रेजेंट ए हिल इफ द वैल्यू हायर इनसाइड। अगर वैल्यू इनसाइड से आउटसाइड की ओर रिड्यूस हो रही है, और कह सकते हैं आउटसाइड से इनसाइड की ओर इंक्रीज हो रही है, तो वो एक आपका हिल एरिया है। जैसे कि आप देख सकते हो ये एक हिल है आपका, उसकी कंट्रोल लाइन देखोगे सेम, वो तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपने ए पॉइंट पे लिया आरएल 1 meter आ रहा है, यहाँ पे आरएल 2 meter आ रहा है, यहाँ पे आरएल 3 meter आ रहा है, यहाँ पे 4 meter आ रहा है, यहाँ पे 5 meter आ रहा है, तो इंक्रीज हो रही है अंदर की ओर, ठीक है। इसके लिए सर्कल ये बनेगा, इसके लिए सर्कल ये बनेगा, इसके लिए ये बनेगा, और इस तरीके का आपका कंटूर मैप बनेगा, ठीक है। और अंदर की ओर वैल्यू अगर इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब क्या है आपका, इसका मतलब है कि वो हिली एरिया है, वहाँ पे एक हाइट है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक पक्का आएगी, ठीक है। ए सीरीज ऑफ क्लोज कंटूर लाइन, हाँ बताओ सर, ये हमेशा रेगुलर सर्कल्स बनेंगे या फिर कभी इरेगुलर? हाँ इरेगुलर भी बनेंगे, आगे आएगा मैं दिखा दूंगा उसमें, ठीक है, इरेगुलर भी बनेंगे।
अब ये जो सेकंड है आपके कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें देख रहे हो आपकी डिप्रेशन है, हिल नहीं है, डिप्रेशन है, डेप्थ है वहां पे है, ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा है, बंद तो वैसे ही रहा है देखने में कंट्रोल जैसे हिल का बना था, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, यहाँ पे वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है इनसाइड से आउटसाइड की ओर, इससे आप पता कर लोगे कि यहाँ पे हिल नहीं, यहाँ पे कोई डेप्थ है, ठीक है। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे तो लूप नहीं बन रहा है, सर्कुलर रिंग नहीं बन रहा है। कंटूर लाइन क्रॉस है रिज और वैली लाइंस, राइट एंगल। रिज और वैली अगर आप नहीं जानते हो तो मैं इसका डायग्राम दिखा देता हूँ आपको, इस पे क्या होती है। यहाँ पे आप देख रहे हो इस वाले डायग्राम में देख रहे हो, देखो ये, इसको बोलते हैं रिज और वैली, इस तरीके से ये जा रही है, ठीक है। जब इसका कंटूर हम मेजर करेंगे तो आप देखो यहाँ हम लेवलिंग करते जाएंगे, लेवलिंग करते जाएंगे, और हमारे हमको किस तरह के पॉइंट मिलते जाएंगे, इस तरह के हमें पॉइंट मिलते जाएंगे, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा, अगर हम देखो यहाँ, यहाँ से इधर की ओर जा रहे हैं तो हमारी हाइट बढ़ रही है, तो इसको बोलते हैं कंटूर लाइंस ऑफ रिज एंड वैली। यहाँ पे उल्टा हो गया, यहाँ पे इधर की साइड में आपका एलिवेशन बढ़ रहा था, यहाँ पे दूसरी साइड में एलिवेशन बढ़ रहा है। कंटूर लाइन कैन नॉट एंड एनीवेयर बट क्लोज देमसेल्फ आइदर विद इन आउटसाइड और लिमिट ऑफ द मैप। देखो एक कंडीशन है कंटूर लाइंस की, कंटूर लाइंस आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती एक दूसरे को, कुछ स्पेशल केस है जहाँ पे हमारी करती है। ये वाला स्पेशल केस है जिसे बोलते हैं ओवरहैंगिंग क्लिफ। क्लिफ के केस में कंट्रोल लाइन ओवरहैंग या आपका ओवरलैप कर सकती हैं, ठीक है। इसको आप कैन कंट्रोल लाइन कैन नॉट मर्ज और वन अनदर वन एक्सेप्ट इन द केस ऑफ ओवरहैंग क्लिफ। अभी है ना, इसको ये कैरेक्टरिस्टिक खत्म हो जाए, मैं आपको समझाऊंगा कि ड्रॉ कैसे करते हैं, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंट्रोल लाइन्स, ये एक हिल है जिसका हम कैरेक्टरिस्टिक कर रहे हैं। यहाँ पे देखो स्ट्रेट लाइन आ गई, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, तो इस पॉइंट पे जो एलिवेशन पॉइंट होंगे यहाँ पे, उनके जो वर्टिकल डिफरेंस होगा वो सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इक्विवेलेंट जो का सेम होगा, इसकी वजह से यहाँ पे हमारी ये जो लाइन है ओवरलैप कर रही है, ठीक है। ये आपका इस तरीके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंटूर, डिप्रेशन बिटवीन समिट इज कॉल्ड सैडल, ठीक है। यहाँ पे आपका एक रिज है, यहाँ पे एक रिज है, यहाँ पे एक रिज है, यहाँ पे रिज है, बीच में आपका डिप्रेशन है। ये मेथड्स आगे, मेथड से पहले मैं थोड़ा समझाना चाहूंगा, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो कंट्रोल लाइन को ड्रॉ करते हैं हम कैसे। क्लिफ के बारे में समझाऊंगा तो सारा समझ, ये क्लिफ है, इस तरह का माउंटेन है, इसमें एक चीज और करते हैं, रुको, इस तरीके से। टाइम हो गया क्या, टाइम हो गया? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट लेक्चर भी होगा आपका, सिलेबस बहुत ज्यादा है और हो नहीं पा रहा है कुछ भी ज्यादा, ठीक है। सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं थी क्या? अरे भूल गया रिकॉर्डिंग, चलो वैसी रिकॉर्डिंग ऑन है, मैंने की भी अलग से सॉफ्टवेयर से, उसको मैं अपलोड कर दूंगा। ओके ओके ठीक।